नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ वीमा प्रसाद। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन नीति और नियत पर जमकर हो हंगामा मचा। मुख्यमंत्री रघुवर दास विपक्ष के सवालों का जवाब देने खड़े हुए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नीति पर जवाब देने के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने जेएमएम पर छद्म राजनीति करने का आरोप लगाया, साथ ही किस प्रतियोगिता के बहाने जेएमएम पर आदिवासी संस्कृति को मिटाने का आरोप भी लगाया। वासी समाज जग गया, मेरा मूल वासी समाज जग गया, अब नहीं चलेगा। जहां पर भूमि भी छीन ली जाएगी, जमीन भी चला जाएगा, नौकरी भी चला जाएगा, तो अध्यक्ष महोदय, यहां का आदिवासी मूलवासी आखिर जाएगा कहां? झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा, झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। मैं भी सोचता हूं कि मैं राजनीति क्यों कर रहा हूं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं ने रोज की तरह सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू हुई लेकिन यहां भी स्थानीयता की नीति और नियत को लेकर बवाल खड़ा हुआ। सीएम ने जेएमएम पर युवाओं को गुमराह कर छद्म राजनीति का आरोप लगाया। जो आदिवासी मूलवास के नाम पर जो छद्म राजनीति कर रहे हैं, और अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं कि जो अभी तक 24,656 में 56 स्थानीय नियुक्ति हुई अध्यक्ष महोदय, और 1,000 बिहार हुए, 95% झारखंड के नौजवान नियुक्त हुए, और इनको झंडा ढोने के लिए नहीं मिल रहा, इसीलिए ये लोग बफलाए हुए स्थानीय नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान राजनीति के तीर खूब चले। मुख्यमंत्री ने जेएमएम को सीधे सीधे निशाने पर लिया और जवाब की शुरुआत ही आरोपों से की। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इसको कभी सफल नहीं होने देगी, और आने वाले समय में इस तरह की राजनीति करने वाले को झारखंड सफाया कर देगा। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि उसकी अब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा। झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा, झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में फर्क क्या है अध्यक्ष महोदय? मुख्यमंत्री बोल रहे थे, विपक्ष विरोध कर रहा था। सीएम की हॉटलाइन के बाद विपक्ष हंगामे का सुरताल बिछा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष खुद अपनी कुर्सी से उठकर विपक्ष को बिठाने में लगे थे। माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठिए, चलो बैठिए, बोले बैठिए। माननीय सदस्यगण, चलिए बैठिए, सीट में बैठिए। लेकिन जेएमएम विधायक चुप नहीं हुए। मुख्यमंत्री ने चुंबन प्रतियोगिता के बहाने भी जेएमएम पर निशाना साधा। अब इस आदिवासी मूलवासी की संस्कृति को भी नष्ट करने का षड्यंत्र चुंबन प्रतियोगिता चल रहा है। किस मुंह से आप आदिवासी मूलवासी की संस्कृति की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। 4 दिनों में जनता के 258 सवाल सत्र में उठाए जाने थे, लेकिन ये सवाल शीतकालीन सत्र में हंगामे की भेंट चढ़ गए। हंगामे और शोरगुल के बीच अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हो गया। सत्र की शुरुआत में किस प्रकरण ने सत्र का समय बर्बाद किया, जबकि बाकी दिन भूमि अधिग्रहण स्थानीयता पर विपक्ष हंगामा करता रहा। जनता से जुड़े 258 सवालों के मौखिक जवाब सरकार की तरफ से आने थे, लेकिन सवाल और समय दोनों बर्बाद हो गए। सवाल अब यह है कि आखिर इस हंगामे से किसका फायदा हुआ? आखिर विपक्ष ने सवाल क्यों नहीं किए, जबकि सरकार लगातार कहती रही कि वो जवाब के लिए तैयार है। 258 सवाल में से 219 का जवाब विभाग की ओर से सदन को दिए गए, लेकिन उस जवाब में क्या था सदन उसे नहीं जान सका। जबकि 39 दिन के बाद ये होगा, और ये तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। विषय तो गंभीर है और मर्यादा भी अपेक्षाकृत इस बार थोड़ा निशाने पर रही है, और इसको सदन के भीतर भी लोगों ने उठाया है। स्पीकर महोदय ने बड़ी तल्खी के साथ कई बातें कही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बजट सत्र पर इसका कुछ असर पड़ेगा। भी फाइल लेकर के आते हैं और उसके बाद भी जवाब नहीं होता है। अफसोस, इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है। सवाल है कि विपक्ष के लोग चाहता ही नहीं है
कि इस तरह की चीजें सवाल जवाब हो, वो तो चर्चा से भागना चाहते हैं। मजबूर भी रहेंगे, लेकिन हाउस नहीं चलने के कारण जनता की जो समस्या है उसको हम लोग निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वही व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि सदन बढ़िया से चले, लेकिन सत्ता पक्ष को भी इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक से पूरा सदन आहत दिखा। दोनों के बार बार खड़े होकर बोलने पर सदन में जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। विधानसभा में महाभारत, सदन की गरिमा पर आर पार, हंगामे का जिम्मेदार कौन? झारखंड विधानसभा में सिर्फ हंगामा ही हंगामा। सदन की गरिमा का हवाला देते हुए विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री रघुवर दास पर बड़ा सवाल उठाया। मुख्यमंत्री रघुवर दास जब सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री को बैठना पड़ा। मुख्यमंत्री को कई बार अपनी सीट से खड़ा होना पड़ा और विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ा, जिसको लेकर जेवीएम विधायक प्रदीप यादव ने सवाल खड़ा कर दिया। उनके आसन भी दुखी है और हम जैसे लोग जो बहस पर विश्वास करता है, विचारों पर विश्वास करता है, हम जैसे लोग भी बेहद। चार दिन का सत्र और चारों दिन एक ही स्थिति, हंगामा। लिहाजा इसको लेकर कई विधायक नाराज भी दिखे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार सदन चलाना ही नहीं चाहती है। केवल यही मौजूदा सत्र नहीं, इसके पहले के भी सत्र, उसके पहले के भी सत्र, ये पूरे अगर सदन की बात करें तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये भले लोग व्यक्तिगत रूप से या माननीय सदस्य किन्हीं को लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन संसदीय परंपरा और सदन लगातार हार रही है, उसकी गरिमा में लगातार गिरावट हो रही है। जिस तरीके से सवालों से सरकार भाग रही है, इन लोगों ने भूमि अधिग्रहण पर कुछ नहीं कहा, स्थानीयता पर कुछ नहीं कहा, और अब मोमेंटम झारखंड को लेकर जिस तरीके से बड़ा सवाल पूरे राज्य में खड़ा हो गया है। सदन की इस तस्वीर को देखकर कई विधायक आहत हैं, सदन की कार्यवाही नहीं चलने से दुखी भी हैं। जाहिर है चार दिनों के सत्र में सिर्फ वही काम हुए जो सरकार के लिए जरूरी थे। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। झारखंड में अब निकायों के प्रमुखों जैसे मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव दलगत आधार पर होने वाला है। इसके साथ ही राज्य सरकार के दलीय आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव कराने के फैसले के बाद चुनाव तैयारी में जुटे आयोग के सामने उहापोह की स्थिति बन चुकी है। मार्च अप्रैल में होने वाले 33 नगर निकायों में चुनाव को लेकर तैयारी पूरी की जा रही थी। कैसे बीच सरकार का ये फैसला सामने आया। इधर विपक्षी दलों के विरोध के बीच संशोधन विधेयक सदन में पास कराकर सरकार हर हाल में चुनाव दलीय आधार पर कराने की तैयारी में है। विपक्षी दलों ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है। विरोध के बीच राज्य निर्वाचन आयोग को यदि समय पर नगर पालिका संशोधन विधेयक का आदेश नहीं मिलता है तो मार्च अप्रैल में दलीय आधार पर चुनाव कराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि फैसले को राज्यपाल की मंजूरी मिलना अभी भी बाकी है। एग्जिट पोल के जरिए ये तस्वीर सामने आई है कि गुजरात और हिमाचल में कमल खिलेगा, लेकिन इसको लेकर झारखंड में सियासत गर्म है। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि परिणाम उल्टा होगा और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। एक रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात हिमाचल में बीजेपी की सरकार, एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले, नतीजे को लेकर झारखंड में सियासत गर्म। बीजेपी नेता खुश, विपक्ष हार स्वीकार करने को तैयार नहीं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव परिणाम 18 दिसंबर को आना है, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल में दोनों स्टेट में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है।
जिससे झारखंड के बीजेपी के नेताओं में खुशी की लहर साफ महसूस की जा रही है। लेकिन कांग्रेस और अन्य दल के नेता अभी भी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री पद की गरिमा बुरी तरह हार रही है। देखिए, वो सब आंकड़ों का खेल है, मीडिया मैनेजमेंट है, पैसों का मैनेजमेंट है। रिजल्ट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। झारखंड के नेताओं का गुजरात चुनाव पर प्रतिक्रिया इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता कई दिनों तक कैंपेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लिहाजा विपक्ष के दावे पर सत्ता पक्ष चुटकी ले रही है। एग्जिट पोल के आधार पर ही कह रहा हूँ कि घोर विरोधी से विरोधी मीडिया भी आज विवश है यह दिखाने के लिए कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात और हिमाचल दोनों में मर रही है। ईवीएम में छुपा राज तो 18 को ही खुलेगा, लेकिन उससे पहले तमाम एग्जिट पोल ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी के लिए रास्ता साफ है। सनी सारद, जी मीडिया, रांची। बड़का गांव में पुलिस पर हमला करने के आरोप में विधायक निर्मला देवी और उनके पति योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद निर्मला देवी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, जनता के सवालों के लिए वो लड़ती रहेंगे। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने दोनों की याचिका खारिज कर दी थी। बड़का गांव में पुलिस पर हमला करने के आरोप पर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और जमानत को लेकर जाहिर सी बात है कि खुशी है। अब विधायक हैं और उन लोग का आंदोलन करना तो मेरा फर्ज है। अब लोग हमको विधायक बनाया किस लिए? अगर विधायक बनाने पर अगर केस हो जाएगा बार बार तो विधायक बनना ही छोड़ देगा आदमी, बोलेगा हम विधायक नहीं, बहुत खराब काम है। कारोबार के क्षेत्र में झारखंड के आदिवासियों का योगदान 1% भी नहीं है, ये कहना है महिला बाल विकास मंत्री लुईस मरांडी का। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इनके उत्थान के लिए कोशिशें जारी है, सरकार चाहती है कि आदिवासी युवा स्टार्टअप कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। झारखंड के जनजातीय समाज की प्रतिभा को भी विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने की ये कोशिश। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार स्टार्टअप कार्यक्रम के जरिए नए लोगों को अपना काम शुरू करने का मौका देगी। महिला बाल विकास मंत्री लुईस मरांडी के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि ट्राइबल युवा रोजगार मांगने वाला नहीं देने वाला बने। यहाँ पर स्टार्टअप कार्यक्रम या वर्कशॉप हो रहा है, उसमें वैसे नए लोगों को बुलाया गया है, जैसे हमने जनजाति समाज का जिक्र किया है, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जनजाति समाज आज भी बहुत पीछे है, 1% भी नहीं है। तो ये सब कार्यक्रम के माध्यम से एक मोटिवेशन का काम ये वर्कशॉप करेगा और मुझे लगता है इससे काफी समाज को लाभ मिलेगा। स्टार्टअप कार्यक्रम के जरिए कृषि, आईटी, लघु उद्योग के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके आइडिया को जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी। देखो, गाँव में और जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी हमारी युवा प्रतिभा बहुत अच्छी है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम जो स्टार्टअप झारखंड का मुहिम हम लोग ने चलाया है वो हर प्रखंड में पहुंचे, हर पंचायत में पहुंचे और हमारे जो युवा शक्ति है, युवा श्रम शक्ति है, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें कि वो कुछ भी अगर सोच लें, ठान लें तो बदल सकते हैं। आदिवासी महिलाएं और लड़कियों के लिए ये कोशिश रामबाण साबित हो सकता है क्योंकि पलायन और मानव तस्करी की सबसे ज्यादा शिकार वो ही होते हैं। खास नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनजाति युवाओं के लिए ये बड़ा अवसर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि गरीब आदिवासियों के पलायन को रोकने में भी कारगर साबित होगा। झारखंड रोजगार के क्षेत्र में नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। कामरान जलील, जी मीडिया, रांची। धनबाद में एक शिक्षक पर आरोप है कि जय श्रीराम बोलने पर एक छात्र की जमकर पिटाई करती। मामला मुनिडह इंडियन पब्लिक स्कूल का है। शिक्षक
शाहिर खान को छात्र की पिटाई की वजह से एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। मामले से अवगत है कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर स्कूल गेट के सामने आरोपी शिक्षक के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। दरअसल स्कूल में रस्सा खींच प्रतियोगिता की जा रही थी। मैच जीतने के बाद छात्र खुशी में छात्रों ने जय श्री राम और हिप हिप हुर्रे का नारा लगाया। आरोप है कि इसके बाद छात्र की जमकर पिटाई की गई। एज ए टीचर चाहते हैं कि डिसिप्लिन बना रहे, जब वो लोग कूद कूद करके नारा लगाने लगे तो सामने जो पड़ा उसको दो चार छापा वो लगा दिया। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये जो लाइन छापा गया कि जय श्री राम के नारे की वजह से शिक्षक ने पिटाई की, ये बेकार है। हाँ, टीचर को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि CBSE नॉर्म्स के हिसाब से वो बच्चे को मार नहीं सकते, और उन्होंने मारा, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। बच्चे को जो है गलत नीयत से नहीं छूटा, वो समझाने की नीयत से छूटा। उसके बाद में सब लड़का जो था वो सब शांत हो गया। मामला यहीं तक है। और लोहरदगा में एक महिला का सिर मुंडर देने की वारदात सामने आई है। बताया जाता है कि महिला अपने प्रेमी के साथ 8 साल से लव इन रिलेशनशिप में थी। पहले प्रेमी को जब इस बात का पता चला तो उसने महिला का जबरन सिर मुंडा दिया। लिव इन रिलेशनशिप एक गुनाह, पहले प्रेमी ने दी गुनाह की सजा, गुस्से में महिला का सिर मुड़ा। इस महिला का सिर इसके पहले प्रेमी ने मुड़ दिया। बताया जाता है कि बगैर शादी के ये महिला अपने दूसरे प्रेमी पंकज उड़ाव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। जब पहले प्रेमी लालू उड़ाव को पता चला तो उसने गुस्से में आकर उसका सिर मुड़ दिया। और गढ़पो मोड़ में गढ़पो थी में हमके धैर पकड़ के केस मुंडा कर। कौन कराया मुंडा? लालू। कौन है? पहले वाला। शहर ही नहीं गांव में भी लिव इन रिलेशनशिप का मामला। 8 साल से लिव इन रिलेशन में थी महिला। लोहरदगा के गडरपो बड़का टोली में भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। महिला की इज्जत शर्मसार होती रही, तमाशबीन लोग बने रहे। आरोपी और महिला के पहले प्रेमी लालू उड़ाव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले प्रेमी लालू से वो पिछले साल भर से अलग रह रही थी। हैरानी की बात है कि लालू शादीशुदा है और 6 बच्चों का पिता है, और प्रेमिका से भी उसके 3 बच्चे हैं। इधर दूसरा प्रेमी अब भी महिला को अपने साथ रखने को तैयार है। शादी किए थे उससे? नहीं, शादी नहीं की। कितना साल से तुम्हारे साथ हो? ये अभी एक साल, बहुत साल लगे थे। रखना चाहते उसको या छोड़ देना चाहते? उसके पति द्वारा उस पर आरोप लगाकर महिला का सिर मुंडन कराया गया है, तो इसमें उसकी पत्नी के बयान पर कांड अंकित करके आरोपी को हम लोग जेल भेज दिए। यानी एक नहीं, 2-2 पुरुषों के साथ ये महिला लिव इन रिलेशन में रह चुकी है। महिला ईंट भट्टे पर काम करने के दौरान दूसरे प्रेमी के साथ आई। पारस कुमार साहू, सी मीडिया, लोहरदगा। खबर ईडी से जुड़ी हुई है। ईडी नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी। बिहार और झारखंड के 60 हार्डकोर नक्सलियों और अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इसमें बिहार के 35 और झारखंड के 25 नक्सली और अपराधी शामिल हैं। संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टर करेगा। गृह मंत्रालय ने ईडी को सभी 60 नक्सलियों और अपराधियों की लिस्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय का आदेश मिल जाने के बाद जल्द ही एनफोर्समेंट डायरेक्टर संपत्ति जब्त करने की अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। PMLA एक्ट के तहत ईडी ये कार्रवाई करेगी। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय नक्सलियों और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करेगी। लातेहार में चोरी छिपे अफीम की खेती की जा रही, ये खबर सही निकली। जिला प्रशासन ने चंदवा थाना क्षेत्र में करीब 5 एकड़ में लगी इस अवैध खेती को बर्बाद किया। लातेहार की धरती पर फिर बोई गई अफीम।
चंदवा के वन क्षेत्र में चोरी छिपे इस खेती को करीब 5 एकड़ में फैलाया गया था। मरमर और सिलेटिन वन भूमि पर नदी किनारे कई जगहों पर अफीम की फसल क्यारियों में बोई गई थी। झारखंड की माटी पर नशे के सौदागरों की साजिश का खुलासा होने पर पुलिस पहुंची और उस पर ट्रैक्टर चला दिया। पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है और एक तरफ इसकी जनजागरूकता भी पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के सूचना पर मरमर सिकिलदरी चंदवा थाना में अफीम के अवनिष्टीकरण किया। लेकिन कौन है जो नशे की खेती को बढ़ावा दे रहा है? बताया जाता है कि नक्सल प्रभावित लातेहार में अफीम के कारोबार पर ही उनकी अर्थव्यवस्था टिकी है। अफीम के अंकुर को धूल में मिलाकर पुलिस ने उनके काले इरादों को भी मटिया मेट कर दिया है। ये पौध फिर खड़ी ना हो, चौकसी जरूरी है। संजीव गिरी, जी मीडिया, लातेहार। झारखंड की कुछ और खबरें हम आपको फटाफट अंदाज में अब दिखाते हैं। 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एनमोसा के बैनर तले माइनिंग सरदार और ओवरमैन कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। कोल कर्मी धनबाद के कोयला नगर स्थित बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के मुख्य गेट पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करने लगे। कर्मियों ने बीसीसीएल प्रबंधन और कोयला मंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की है। गढ़वा में सभी बालू घाटों से बालू का उठाव हो रहा है, जिसकी वजह से खनन विभाग को भी अच्छे खासे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। पिछले 3 महीने की बात करें तो खनन विभाग को 15 लाख रुपए से ज्यादा के राजस्व की वसूली हुई है। बालूमाथ थाना पुलिस ने बरियातू के पास पिछले 7 दिसंबर को हुई दवा व्यवसायी मुरारी प्रसाद की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और नक्सली वर्दी बरामद की गई। खूंटी में लकड़ी तस्करी करने वालों के खिलाफ वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्रा और तोरपा क्षेत्र के जंगलों से अवैध लकड़ी से लदा ट्रक जब्त किया गया, हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहे। पलामू में पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पर व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के साथ कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।